आदित्यनाथ ने टीम 11 के ऑफिसर्स के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रणनीति बनाई है। प्रवासी कामगारों श्रमिकों को लेकर के रणनीति इस बैठक में बनाई गई। श्रमिकों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने पर रणनीति बनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए 10,000 बसें लगाई हैं और जांच के लिए 50,000 मेडिकल टीमें लगाई गई। आज 5 ट्रेनें मजदूरों को लेकर के प्रदेश में आएंगी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से प्रदेश में आएंगी ये ट्रेनें। सभी कम्युनिटी किचन का जियो टैगिंग किया गया। वहीं 11,00,000 क्वारंटीन सेंटर्स की भी जियो टैगिंग की गई है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया गया जहाँ पर और ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, मुहैया कराने के लिए मजदूरों को 5 ट्रेनें चलाई गई हैं। जी बिल्कुल, आज 5 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं मजदूरों को लेकर। और इसके अलावा जो मजदूर आएंगे उनको क्वारंटाइन करने के लिए, उनको खाने पीने के लिए, उन सबको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए ये सब व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बहुत बड़ी महामारी में, आपदा में निपटने के लिए डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम भी लगाई है जो मजदूर आएंगे, और बसें लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर ये है कि सरकार कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनने दे रही है। लगातार जो भी लाखों लाख संख्या में मजदूर आएंगे उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो योगी सरकार का रोज सवेरे इसी बात पर जोर होता है कि आम जनमानस को कैसे जो है अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए, और मजदूर, गरीब तबका और बाहर से आने वाला प्रवासी जो समस्याएं हैं उसकी वो तुरंत हल हो। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी।